हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉट नाइप्स किचन। आज हम बनाएंगे पम्पकिन प्रॉन। ये बंगाल का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे चावल के साथ ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पम्पकिन, आलू, मिर्ची, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, एक तेज पत्ता और प्याज और प्रॉन। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और हमें चाहिए जीरा, धनिया और गरम मसाला पाउडर और सरसों तेल, और हमें चाहिए नमक और हल्दी। हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें मैरिनेट किया हुआ प्रॉन डालेंगे। यहाँ मैंने प्रॉन में हल्दी और नमक डाला है मैरिनेशन के लिए। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे हमें हल्का सा ही फ्राई करके निकाल लेंगे। प्रॉन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी सेम कढ़ाई में हम तेल लेंगे अगर ज़रूरत हो तो, और तेल को हम गर्म होने देंगे। फिर इस पे हम तेज़पत्ता, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे और इसे हम पकाएंगे जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे। अब हम इसमें कुमड़ा डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे गरम मसाला, जीरा और धनिया पाउडर डालेंगे। और हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे हम ऐसे ही कुछ देर पकाएंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ी देर इसे ऐसे ही पकाने के बाद इसमें हम एक छोटा कप पानी डालेंगे और हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, हम इसे ढक लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे आलू अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसे और 10 से 15 मिनट पका लेंगे। बीच बीच में आप ढक्कन खोल के सब्जी को एक बार चला ले, नहीं तो ये चिपक जा सकता है। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, आलू हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ प्रॉन को डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
5 मिनट हो चुका है, हमारा सब्जी भी पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा फ्राउन विथ पम्पकिन तैयार हो चुका है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।